राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद पहली बार मीडिया के सामने बोले सचिन पायलट, नहीं ज्वाइन करूंगा बीजेपी, साझा किया दर्द, कांग्रेस में बार बार हो रहा था अपमान। सचिन पायलट पर सीएम अशोक गहलोत का पलटवार, संगीन आरोप मढ़े, बिना बताए जाते हैं विदेश, 6 महीने से भाजपा के साथ मिलकर बना रहे थे मेरी सरकार गिराने की रणनीति। महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण का मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा बयान, मराठा आरक्षण याचिका पर हाईकोर्ट 27 जुलाई से करेगा नियमित सुनवाई, सरकार मराठा समाज के साथ नहीं होने देगी अन्याय। मराठा आरक्षणाच्या संदर्भामध्ये आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरू होती आणि या सुनावणीच्या दरम्यान आणि आज जो शेवट झाला सुनावणीचा त्यामध्ये समाधानाची बाब अशी होती की याचिकाकर्त्यांनी सातत्याने मेडिकल ऍडमिशन्सच्या संदर्भामध्ये अंतरिम स्थगिती मिळावी अशा प्रकारचा प्रयत्न केला होता। आरक्षणा संदर्भातले जे काही विरोध ज्यांनी केलेला आहे किंवा जे याचिकाकर्ते आहेत त्या बाबतीमध्ये सरकारने अतिशय चांगले सीनियर काउन्सिल्स श्री मुकुल रोदगी यांना लावलेला आहे, त्याचबरोबर श्री पटवाले हे सुद्धा तिथे निष्णात वकील आहेत, ते सुद्धा अपियर सरकारच्या बाजूने होणार आहेत आणि जे आपले इतर इंटरव्हेन्शन अर्ज जे आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आहेत त्याच्यामध्ये कपिल सिब्बल सुद्धा एका इंटरव्ह्यूच्या वतीने आपल्या मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ते सुद्धा अपियर होणार आहेत, त्याचबरोबर श्री रफिक दादा हे अपियर होणार आहेत। त्यामुळे मला वाटतं की शासनाची बाजू आणि मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ ज्या ज्या लोकांनी इंटरव्हेन्शनचे अर्ज दिले त्यांच्याकडून सुद्धा निष्णात वकिलांची एक चांगली टीम ही आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये 27 तारखेपासून उपलब्ध राहील अशा प्रकारची परिस्थिती आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं आजचा हा जो काही सुनावणी झाली ती अतिशय चांगली झाली, समाधानकारक झाली आणि आपल्या दृष्टीने महत्वाची आहे की कुठल्याही प्रकारची स्थगिती किंवा इंटरिम स्टे याच्यामध्ये मिळालेला नाहीये, ही समाधानाची बाब आहे। मुंबई के भाजपा विधायक मिहिर कोटेच का आघाड़ी सरकार पर बड़ा हमला, मुलुंड के कोविड केयर सेंटर में कोरोना उपचार सुविधाओं पर उठाया सवाल, पूछा बिना ऑक्सीजन और डॉक्टरों के कैसे होगा मरीजों का इलाज। आज मी आढावा घ्यायला इकडे आलो तर एक धक्कादायक बातमी मला भेटली आणि ती एकही आयसीयू बेड अजूनपर्यंत इकडे उपलब्ध करून देण्यात आला नाहीये। 75 पैकी एकही डायलिसिस बेड इकडे नाहीये। सिडकोचे चीफ इंजिनियर दाहिटकर यांना मी आज फोन केलं तर त्यांनी मला सांगितलं की साहेब अजून 20 ते 25 दिवस लागणार। मी मुख्यमंत्र्यांना या पत्रेद्वारा नम्रतापूर्वक विनंती केली आहे की आज काळाची गरज आहे आयसीयू बेड आणि डायलिसिस बेड, म्हणून लवकरात लवकर ते इकडे उपलब्ध करून देण्यात यावे आणि या कॉन्ट्रॅक्टद्वार आणि अधिकारी यांच्यावरतीही तुम्ही कारवाई करा, कारण जी फॅसिलिटी 8 जूनला तयार झाली पाहिजे होती ती फॅसिलिटीची आत्मा म्हणजे आयसीयू आणि डायलिसिस बेड आज 14 जुलैपर्यंत एकही रेडी झालेली नाही आहे। नवी मुंबई के नए कमिश्नर अभिजीत बांगर की कोरोना रोकने की बड़ी पहल, कोविड सेंटर में एंटीजन टेस्ट को दी मंजूरी, बोले रैपिड टेस्टिंग से कोरोना पर पाएंगे काबू, मनपा अधिकारियों और कर्मियों को दी चेतावनी, नहीं बख्शे जाएंगे कामचोर अधिकारी। कोरोना के चलते तीर्थ क्षेत्र पंढरपुर में 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन, बंद रहेगा मंदिर, भक्त नहीं कर पाएंगे भगवान विट्ठल के दर्शन, एकादशी पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लगाई थी हाजिरी, महाराष्ट्र को कोरोना मुक्त करने मांगी थी दुआ। राजस्थान के झालावाड़ में जातिवाचक गालियों से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों में गुस्सा, झालावाड़ के एसपी को ज्ञापन देकर नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की उठाई मांग, सफाई के दौरान अपमानित करने का मामला। हम काम करा बलाज से कर्मचारी हैं, हम गति 10 वर्षों से काम कर रहे हैं वहाँ, और हमें वहाँ से बिना नोटिस जारी किए हटाने की कोशिश की जा रही है, ना तो कोई हमारी गलती है ना कोई वजह है, फिर भी हमारे वो लोग हमें हटा रहे हैं। मदन लाल मीणा है और नौनी कुमार पानी है मनोहर थाना वाला, और एक खंडर वाला नौदा वाला, ये 4-5 लोग हैं
कुछ ये करते हैं कोई ये बंगियों को यहाँ से भगा दो भगाओ इन्हें, और 31 तारीख से कमरा खाली करने की धमकी अलग से दी, हमारा नोट्स भी जारी नहीं किया उन्होंने। बिहार के अररिया में परमान नदी के उफान से दर्जनों गांव में बाढ़ का कहर, पानी की तेज धार में बहा लक्ष्मीनिया पुल, स्थानीय रहवासी शरण लेने ऊंचे ठिकानों पर भागने को मजबूर, बड़ी मुसीबत। पूरा नेपाल के पानी आकर यहाँ हम लोग की व्यवस्था खराब कर दिया है, यहाँ से हम लोग 4 साल जमीन जा रहे रखने के लिए, यहाँ न हमको कोई लोग देखना, न कोई मुखिया है, न सरपंच है, न कोई प्रतिनिधि है, कोई हम लोग को देखने वाला आइए नहीं है, कोई तो देखने नहीं आया, कोई देखने वाला नहीं है। दीपचंद शाह मुखिया अपना 60 साल की उम्र बीतल जा रहा है, आज तक दीपचंद शाह का चेहरा नहीं देखे हम लोग, यहाँ मरे अब यहाँ से कहीं ऊंचा स्थान पर चल चले जाएंगे, सलमान का पुला है वहीं चले जाएंगे। फारसगंज के खरखा पंचायत से हैं और हम लोग काफी दयनीय स्थिति में भी जी रहे हैं, खाना पीना राशन सारा का सामान लाने के लिए हम लोग को बस यही एक सहारा है, जान हथेली पे रख के हम लोग इस पार से उस पार जाते हैं, बस सारा सामान लाते हैं और किसी तरह से हम लोग अभी जीवन यापन कर रहे हैं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी अभी तक हम लोग को देखने तक नहीं आया, ना विधायक ना मुखिया, कोई भी किसी कोई मतलब नहीं है, सब चुनाव के टाइम में जाते हैं, हम लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान है लेकिन अभी तक किसी के द्वारा कोई मदद हम लोगों को नहीं मिला है। यहाँ पे तो बहुत गंभीर है, हम लोग यहीं पे रहते हैं, किसी तरह अपना दिन गुजर काट रहे हैं 4 दिन से, कोई देखने भी नहीं आया है, सब जगह का रास्ता बंद है, सब जगह टूट गया है, आप लोग कैसे आए हैं ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। और बिहार के बेगूसराय में बीजेपी नेता राजकुमार वर्मा ने कराया सैनिटाइजेशन, बोले जिले को कोरोना से बचाना सबकी जिम्मेदारी, नागरिकों से सावधानियां बरतने की अपील,